अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होंगे। तो यहाँ पे मैं वीडियो वॉच करने लगी हूँ आफ्टर वेरी वेरी लॉन्ग। बहुत ज़्यादा गैप लिया है मैंने बिकॉज ऑफ सम बिजीनेस। तो यहाँ पे इट्स वेरी रैंडम व्लॉग, ठीक है। यहाँ पे मैंने ग्रॉसरी की है, ये रमज़ान से रिलेटेड आइटम्स कुछ हैं जो कि मैंने लिए थे। इट वाज़ जिसमें एक जार बहुत ही ज़्यादा जो है वो ये एक ब्रांड ने बनाया हुआ था जो कि बहुत ही फजूल था बाय करना, बट आई बॉट इट। एक्चुअली आई डिड नॉट, मेरे हस्बैंड चाहते थे कि मैं बाय करूं और उसमें से इतनी सी बत्ती निकली इतने बड़े डब्बे में, विच वाज़ रियली डिसअपॉइंटिंग। बट एनी हाउ, ये है कुछ ग्रॉसरी आइटम्स जो कि मुझे ऑर्गेनाइज करनी है, स्टोर करनी है, तो जल्दी जल्दी इनको निकाल लेते हैं। ओके, तो सारी ग्रॉसरी आइटम्स मैंने निकाल लिए। ये मेरी तकरीबन 2 से 3 मंथ का जो है वो ग्रॉसरी में एक साथ कर लेती हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी होती है, कुछ होती है जो आपको हर मंथ लानी होती है, तो ये सब मैं अच्छे से स्टोर कर लूँगी। और मैंने कोई डिटेल वीडियो नहीं बनाई हाउ टू स्टोर दिस आइटम्स प्रॉपरली, तो आपको भी जल्दी इसको करके दिखाती हूँ बिकॉज आई हैव फ्यू प्लान्स, तो जो भी करने हैं। तो चले इसको बेसिकली क्लीन करते हैं। सो देट इज़ वेरी क्विक, वेरी ईजी, आई यू कैन सी द मेहनत बिहाइंड इट। एनी वेज, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें मैंने पीछे रखी हुई हैं, कुछ मैंने इस तरह से की हुई हैं बिकॉज अभी जो है मैंने इसको स्टोर तो करना है, बट उससे पहले मुझे अपना ऊपर वाला पोर्शन जो है वो क्लीन करना है। तो लेट्स जस्ट डू दैट। सो एज़ यू कैन सी अगेन मैसी हो गया, वो क्यों हुआ है आई टेल यू। और यहाँ पे मैं बनाने के साथ साथ पालक गोश्त और साथ साथ क्लीनिंग चल रही है। मैसी इसलिए हुआ है क्योंकि वाला पोर्शन जो है मुझे क्लीन करना है, मैंने देखा बहुत ज़्यादा गंदा सा हुआ हुआ, तो मैंने सोचा इसको भी साथ साथ जो है वो साफ़ करूँगी और फिर सारी चीज़ें ऊपर सॉर्ट करूँगी। ओके, सो दिस इज़ लाइक 8 PM इन देयर, माई हस्बैंड इज़ ट्राइंग टू फिगर समथिंग आउट। यहाँ पे एक ये क्या कहेंगे, स्विंग झूला वट एवर यू कॉल इट, वो लेकर आए हैं। इसको हमने करना है असेंबल। और जब इसको खोल के देखा इसके तो बहुत ही छोटे छोटे पीसीस थे जिसको असेंबल करना था। तो ये एक चीज़ थी, आई थॉट आई विल रिकॉर्ड इट फुली कि किस तरह से असेंबल होता है एंड ऑल, बट जब इसको करने लगे आई वॉज अनेबल टू रिकॉर्ड इट। मैंने कहा ना मुझसे पूरा होगा और ना ये इनसे पूरा हो रहा था आराम से, इट टुक अ लिटल वाइल। बट एनी वेज, अब शूट किया है तो कुछ तो मैंने डालना ही था। तो यहाँ पे आई हैव रिकॉर्डेड दिस एंड इट इज़ अ रियली गुड प्रोडक्ट। अगर आपके पास मतलब यू हैव न्यू बॉर्न बेबीज़ तो आप ये प्रोडक्ट लेंगे, देन योर लाइफ विल बी वेरी वेरी ईजियर एंड फॉर द बेबीज एज़ वेल। तो यहाँ पे अगेन द असेंबलिंग इज़ गोइंग ऑन, इतना भी मुश्किल नहीं था। यू कैन सी द वीडियोज़ एंड ऑल, और आप इसको आराम से असेंबल कर सकते हैं, विच ही इज़ ट्राइंग टू डू हियर। तो यहाँ पे कोशिश अभी भी जारी है और इसमें बहुत से टाइप के स्विंग्स आते हैं। जो ये वाली स्विंग कंप्लीट होगी वो कुछ इस तरह की दिखेगी, और ये आप जो है मोबाइल एप्लीकेशन के साथ भी स्विंग को कंट्रोल कर सकते हैं। सो हेयर इट इज़ माय फेवरेट पार्ट ऑफ द वीडियो, और बहुत से वो लोग जो अनबॉक्सिंग पसंद करते हैं उनके लिए। सो यहाँ पे 2 पार्सल्स हैं, आई एम एक्साइटेड टू ओपन दैम बिकॉज मैं भी वीडियो के दौरान ही देखती हूँ कि मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स पार्सल में क्या आया है। एक पार्सल का तो मुझे पता है और जो मेरी वीडियोज़ देखते हैं उनको भी आइडिया होगा कि इसमें क्या है, बट दिस वन जो कि सेकेंड पार्सल है वो मुझे भी नहीं पता कि प्रोडक्ट कैसी आई है, तो आई एम एक्साइटेड फॉर दैट। तो सबसे पहले उसको हम खोल के देखते हैं।
टाटा। तो ये है वो पार्सल जिसे खोने के लिए बहुत बहुत एक्साइटेड थी, और ये काफ़ी टाइम से मैंने ऑर्डर किया था। दिस वन रिसीव्ड वेरी वेरी लेट। आजकल दराज के पार्सल वैसे ही बहुत ज़्यादा लेट रिसीव हो रहे हैं, बट एनी हाउ ये प्रोडक्ट है और बहुत से लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूँ, दिस इज़ अ लैपटॉप टेबल स्टैंडिंग है, टेबल है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं इन ए बेड और मे बी टेबल पे रख के, टेबल तो यूज़ होगा नहीं, बेड वगैरह पे आप अपने लैप पे रखने के बजाय जो है लैपटॉप्स बहुत ही हैवी होते हैं, उनको आप इस पे रख सकते हैं आराम से। मेरा लैपटॉप इज़ वेरी 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 हैवी, तो उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी एक लैपटॉप टेबल की, क्योंकि मेरा जो लैपटॉप है वो बहुत ही ज़्यादा एक तो हीटअप हो जाता है, गर्म हो जाता है, बहुत बहुत हैवी है। तो मैं काफ़ी टाइम से बाय करना चाह रही थी और मैंने इसको जब ऑर्डर किया वैसे ही मुझे बहुत ज़्यादा लेट रिसीव हुआ। तो इसकी फिनिशिंग मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, लेकिन अगर आप प्राइस को देखें तो प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा था। दराज बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हैं, रीज़नेबल भी हैं, तो दिस वन वाज़ वेरी वेरी रीज़नेबल और अच्छा है। एज यू कैन सी इसका जो रॉड वगैरह है दे आर लाइक वेरी नाइस और फॉर्मी है, ताकि आपको बेड पे रखने में इजी हो और बहुत ज़्यादा स्लाइड ना करे, और दिस इज़ गुड वन, ठीक है। और वैसे ही मोल्ड्स हैं जो कि आपको हर उसमें मिलेंगे। और लेट्स मूव टू आर सेकंड पार्सल, ठीक है। इसमें मैंने दो प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए हैं, सो वन ऑफ द प्रोडक्ट इज़ दिस आलमंड ऑयल विच आई नीडेड, तो मैंने यहाँ से ऑर्डर किया, इट सीम्स ऑर्गेनिक, इट सेज ऑर्गेनिक, तो मैंने कहा चलो इसे ट्राई करते हैं। एंड द सेकेंड प्रोडक्ट इज़ जो कि मैंने पहले भी यूज़ किया हुआ है, दिस इज़ हेयर शैम्पू डाई कंडीशनर, जो इनका बहुत ही फेमस है, बट इस बार इसकी पैकेजिंग बहुत डिफरेंट आई है, बॉक्स में नहीं दिया, मे बी ये लोग जो है अपना प्रोडक्ट कॉस्ट जो है वो बचा रहे हैं, तो वो पहले बॉक्स में आता था, अभी उसमें नहीं आया है। आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो उसमें बॉक्स में आया था। आई डोंट रियली रिकमेंड इट बहुत ज़्यादा, बट जो सैलॉन्स नहीं जा सकते, जो घर पे सिंगल हैं, मतलब लाइक सिंगल इन द सेंस के ज़्यादा फीमेल जो है दूसरी हेल्प कर लेती हैं, बट अगर आप अकेली हैं, यू कैन नॉट डाई योर हेयर बाई योर सेल्फ, तो उसके लिए ये प्रोडक्ट बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी है और इट्स गुड वन। तो मैंने ये दोबारा बाय किया है क्योंकि आई वाज वेरी इन नीड ऑफ इट, तो इसलिए मैंने दोबारा बाय किया है। सो यू गाइस, मैं इसे रिकमेंड नहीं करती बहुत ज़्यादा, इफ़ यू वांट इट आप खुद बाय करके ट्राई करें, अगर आपको सही लगता है यू कैन यूज़ इट, अगर नहीं लगता तो नहीं यूज़ कीजिए। और इसमें वही सारी चीज़ें क्या कहते हैं, ग्लव्स हैं एंड ऑल दैट। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप यू गाइस लाइक इट, इफ़ यू लाइक इट डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।